बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम जी पॉन की जो वीसोल की ओएलटी सिंगल पॉन जो इस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है वेव्स है गर्दिश कर रही है, उम्मीद है कि अभी कुछ दिनों बाद वो अवेलेबल भी हो जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, मिलने भी लग जाएगी। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो फीचर्स जो हैं वो अच्छे हैं, जो छोटी आईएसपीज हैं या छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे यूज़र क्लाइंट कम हैं उस एरिया में, या कहीं पे आपको पॉप इंस्टॉल कर रहे हैं उस जगह पे, या कोई बॉक्स फाइबर टू होम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उस हवाले से एक सिंगल पॉन जो ओएलटी नई वीसोल ने मुतारफ़ करवाई है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है। इससे पहले एक फोर पॉन ओएलटी आई थी, वो ई पॉन और जी पॉन दोनों में है, लेकिन ये सिंगल पॉन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जी पॉन के अंदर आया है, और अभी तक सिंगल पॉन के अंदर ई पॉन नहीं आया। इसके अंदर इसका मॉडल है V1600GS, इसका मॉडल है, और इसके अंदर 2 गीगाबिट की इथरनेट हैं, 1 10G की SFP है और 1 PON है। फ्रंट से ये एयर के हवाले से, साइडों पे भी एयर के हवाले से इसके अंदर जो हैं वो विंडोज़ हैं, हीट नहीं होती, DC 12 वोल्ट के ऊपर ये चलती है, इतना ज़्यादा जो है ना इसका वोल्टेज भी नहीं है। और रेशो के हवाले से देखें तो 1 PON के ऊपर 128 ONG और 20 किलोमीटर तक इसकी सिग्नल की पावर है, और अपलोडिंग स्पीड 1 PON के ऊपर 1.25 और डाउनलोडिंग 2.5 GB ये 1 PORT के ऊपर डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। इसके अंदर एक कंसोल पोर्ट, 1 10G की पोर्ट, 2 ईथरनेट पोर्ट और 1 PON पोर्ट है। ब्रॉडकॉम का इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है, रियलटेक और ब्रॉडकॉम का। इजी टू इंस्टॉल है, छोटी सी जगह के ऊपर ये फिट आ जाती है, ज़्यादा जगह नहीं ये कवर करती, तो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ जो है ना। ये NMS EMS जो ऑलरेडी पहले इस टाइम जैसे दीगर ओएलटीज़ के अंदर होता है, कुछ लोग यूज़ करते हैं कुछ लोग नहीं यूज़ करते, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। आपके ओवन जो ऑफलाइन होते हैं तो आपके NMS EMS के अंदर जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका ओवन जो ऑफलाइन हो गया है, या फिर वो रेड हो जाता है, ग्रीन सिग्नल की ऑन होगा तो ग्रीन होगा, ऑफ हो जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है, कुछ लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस ओएलटी के अंदर, ये भी ऑप्शन मौजूद है। और सिंपल वही सेटिंग है, रेशो वगैरह जिस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी 128 अगर आप प्रॉपरली इसको अच्छी मशीन और अच्छी फाइबर का आप यूटिलाइज़ करेंगे तो प्रॉपरली आप 128 ONG उसके ऊपर चला पाएंगे। छोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर IP कैमराज, एक कॉलोनी या किसी बिल्डिंग्स के अंदर एक प्रॉपर छोटे ONG लगा के, तो एक सिस्टम जो है वो IP कैमराज का, जहाँ पे 50+ कैमराज होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा प्यारा ये सेटअप जो है ना बनाया गया है। ISPs के अंदर जो है बॉक्स में लगा के, तो उस एरिया को कवर करके छोटे एरिया को कवर किया जा सकता है इसके हवाले से, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मार्केट के अंदर इन हो रही है, तो फिर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और दीगर चीज़ों की भी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है ये छोटा सा डेमो जो रिव्यू है आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।